22 जुलाई का दिन गोरखपुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के विकास के लिए आजादी के बाद अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा और शिलान्यास करेंगे। उक्त बातें विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए सदा सांसद योगी आदित्यनाथ ने कही। प्रधानमंत्री की 22 जुलाई को प्रस्तावित रैली को भव्य, विशाल और सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने संयुक्त बैठक आयोजित कर रणनीति तय की। इस बैठक के मुख्य अतिथि सदा सांसद योगी आदित्यनाथ रहे। बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के नेताओं ने सदा सांसद को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का विश्वास दिलाया। इसी कड़ी में स्वागत करें, समय कम है। गोपाल जसवाल जी को आमंत्रित करता हूं, जा रहे हैं और मराठवाड़ा का महाराज जी का स्वागत करें। कड़ी में उसको किया है और उसके उस कार्य को संपन्न कराने की दिशा में सचेष्ट रहते रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो गैस पाइपलाइन की भी योजना है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि अतिशीघ्र गोरखपुर के खड़े। इस अवसर पर सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जुलाई को प्रधानमंत्री गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास के लिए करीब 3400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें 1200 करोड़ रुपए पाइपलाइन बिछाने, 600 करोड़ रुपए खाद कारखाना की स्थापना और 1600 करोड़ रुपए एम्स की स्थापना पर खर्च किया जाएगा। 22 जुलाई की तिथि गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के अभ्योदय की तिथि है। यहाँ का आम जनमानस, आम व्यापारी अपने आंखों के सामने इस क्षेत्र के विकास को देख पाएगा और इस दृश्य से आप सब भारत के प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन सके, उस कार्यक्रम में सहभागी बने, यह आमंत्रण आपको देना मैं उचित समझता हूँ। क्योंकि गोरखपुर में जब भी हम लोगों ने कोई संघर्ष किया है, कोई आंदोलन किया है, तो सबसे अग्रणी पंक्ति में हम सब का सहयोगी बनने के लिए कोई आया तो गोरखपुर का व्यापारी आया है और इसीलिए ये हम लोगों का मेरा नैतिक दायित्व बनता था कि इनसे गोरखपुर में फर्टिलाइजर हो, गोरखपुर के विकास इस लड़ाई में आप सब जब सहयोगी रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम के शिलान्यास कार्यक्रम में भी आप सबकी भागीदारी हो। इस दृष्टि से आप सबको आमंत्रण देने के लिए और मंदिर के कार्यक्रम में उसके बाद में आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा निवेश है गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में दो कार्यों का शिलान्यास करेंगे, गैस पाइपलाइन की 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे फर्टिलाइजर कारखाना पर, 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे एम्स पर, 1000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं गैस पाइपलाइन पर। गैस पाइपलाइन का मतलब हल्दिया से जगदीशपुर के बीच में एक गैस पाइपलाइन गोरखपुर होते हुए बिछेगी, जिस गैस पाइपलाइन से फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा और साथ ही साथ गोरखपुर महानगर में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई हर घर करने की व्यवस्था, जो आपको वर्तमान सिलेंडर की प्रणाली की तुलना में आधे दाम पर गैस का खर्चा आधा आपके घर का हो जाएगा, यह एक सुविधा गोरखपुर के नागरिकों को आने वाले 2 वर्षों में हम उपलब्ध कराएंगे। यानी ये 2-3 योजनाओं से जो अकेले गोरखपुर महानगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश लाभान्वित होगा, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना जैसे कार्य प्रारंभ हो उसके साथ ही बिहार के बरौनी में और झारखंड के लगभग 6-6 हजार करोड़ रुपए की लागत से वहां पे भी खाद कारखाने स्थापित होने हैं। यानी आप मान लीजिए 18 हजार करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं केवल 3 खाद कारखानों पर, 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है केवल गैस पाइपलाइन पर, और उसके बाद 1600 करोड़ रुपए गोरखपुर एम्स पर, और फिर उसके साथ जोड़ने वाले अनेक अन्य तमाम प्रकार के जो उद्योग वहां पर लगेंगे सब उसके साथ उस जुड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर पूंजी निवेश किसी बाहरी पैसे के बल पर नहीं, हमारे
पैसे की कमी नहीं है, भारत सरकार पैसे की व्यवस्था जबकि अपने सार्वजनिक उपक्रमों से पैसे की व्यवस्था करने के उपरांत ही फिर सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और फिर शिलान्यास की तिथि तय की है। आप ये मान के चलिए कि मुझे लगता है हो सकता बरसात के समय सर्वे आदि के कामों की होगी, इतनी बड़ी योजना होगी, उसका डीपीआर बनेगा, सर्वे होगा, अन्य सॉयल टेस्टिंग के कार्यक्रम होंगे, सबकी एक सीमा होती है कितने देर के बाद उसके परिणाम आने हैं। लेकिन मान के चलिए कि बरसात के तत्काल बाद यहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा।